Hi guys, welcome back to the channel. Today, in this video, we will be covering General Studies Paper 1. The segment we are covering is Indian Society. Under the subheading, we are covering about child labour. Now, child labour is a term which everybody of us is aware of, ki kya hota hai balshram, but still, we will be dealing it, uh, with it academically. Uh, क्योंकि अगर हमें ये मेंस में क्वेश्चन आता है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं हावेवर ये काफी बड़ा टॉपिक uh, है बट इसको मैंने आज इस वाली वीडियो में जो कवर किया है दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट हु इज चाइल्ड ठीक है उसके बाद ये बताएंगे चाइल्ड लेबर क्या है कॉजेस क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, नेचर क्या है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स नेचर ऑफ चाइल्ड लेबर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया देन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और वे फॉरवर्ड ठीक है तो देखो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि चाइल्ड कौन है हु इज अ चाइल्ड चाइल्ड इज बेसिकली अ पर्सन जिसमें कि बेसिकली द चाइल्ड इन अडोलिसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 ये डिफाइन करता है चाइल्ड को अ पर्सन नॉट कम द एज ऑफ फोर्टीन ईयर्स जिसने चौदह साल की उम्र को अभी कंप्लीट नहीं कर लिया है दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड चाइल्ड ठीक है नाउ गोइंग um, जब आपने ये जान लिया कि चौदह साल की uh, एज को आपने कंप्लीट नहीं करा है इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट यू आर अ चाइल्ड ठीक है अब कहते हैं भाई चाइल्ड लेबर क्या है बच्चों से काम करवाना ठीक है बच्चों से काम कराने का मतलब है वेन यू आर फोर्सिंग द चिल्ड्रन टू वर्क वेन यू आर फोर्सिंग द चिल्ड्रेन टू वर्क इज कॉल्ड एज Uh, एक तरीके से चाहे वो इधर इट इज पेड और अनपेड दैट विल बी कॉल्ड एज चाइल्ड लेबर उसे श्रम ही कहा जाएगा बाल श्रम ठीक है अब चाइल्ड लेबर का वैसे जो एकेडमिक डेफिनेशन है वो क्या है इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी वर्क किसी भी काम में एम्प्लॉयमेंट किसका बच्चों का ठीक है दैट डिप्राइव्स देम ऑफ देयर चाइल्डहुड जिससे उनके बचपन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और ये हार्मफुल है उनके लिए फिजिकली मेंटली सोशली इमोशनली हर तरीके से ठीक है अब यहाँ पर अगर आप एक अदर एंगल से देखें तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज एनी वर्क राइट वो हिसाब से अगर आप जाते हैं लॉजिकली स्पीकिंग देन द चाइल्ड आर्टिस्ट वर्किंग इन टेलीविजन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लेबर राइट इज दरिंग चाइल्ड पहले तो चाइल्ड कौन है क्या है हमने कहा कि बाल श्रम होता है लेकिन श्रम की इंटेंसिटी क्या है पहले ये जान लीजिए कि हमारे देश में कितने लेवल तक का बाल श्रम होता है सेंसस ट्वेंटी इलेवन भारत सरकार की जनगणना खुद एडमिट कर रही है कि 10.1 मिलियन, ठीक है 10.1 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ द एज 5 टू 14 आर वर्किंग चाइल्ड लेबर, उसमें 8.1 मिलियन आर रूरल ग्रामीण क्षेत्र के हैं और बाकी रेस्ट आर ऑफ द दर्बन सेक्टर्स या शहरी पृष्ठभूमि से आते हैं ठीक है तो यानी कि 10.1 मिलियन हमारे पास में ऐसे बच्चे हैं बेचा वर्किंग और हुआ वर्किंग एस चाइल्ड लेबर एज पर और ये जो डेटा है 10.1 मिलियन ये सेंसस का डेटा है इट्स गवर्नमेंट डेटा ऐसा भी नहीं है कि फ्रॉजरी हो सकती है या आपने इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व कर लिया है या कोई एनजीओ का डेटा है नो इट इज ऑफिशियल डेटा ऑफ सेंसस 2011 राइट right? अब भाई कॉन्सिक्वेंसेस बाद में देखेंगे पहले ये देखते हैं कि कॉजेस क्या हैं कॉजेस सबसे बड़ा या जो अभिशाप है दैट इज ओवर पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन आप एक दूसरा टर्म यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ठीक है यू हैव पॉपुलेशन मोर राइट एंड द रिसोर्स आर लेसर और जब आप इंडिया की बात करते हैं ना जब आप इंडियन पॉपुलेशन की बात करते हैं जब पॉपुलेशन पिरामिड को अगर आप देखेंगे तो इंडिया के केस में ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये इसका जो बेस है दैट इज एक्सपैंड तो आर्स इज अ यंग पॉपुलेशन बच्चे जो कि मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज के इंडिविजुअल ज़्यादा हैं फिफ्टीन टू फिफ्टी हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है और ये यानी हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या है एक्सपैंड जापान के केस में आप देखेंगे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है वहां पर पॉपुलेशन ट्रेंड ये शो करता है कि उनका जो ये बेस है दिस इज नॉट एक्सपैंडिंग श्रिंकिंग है इनका जापानीज सरकार का ज्यादातर पैसा सीनियर सिटीजन की पेंशन में जाता है विद रिस्पेक्ट अब आप कंपेयर कर लीजिए जबकि और ये ये जितना आपको लगता है कि एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है ये हमारे लिए वरदान होना चाहिए बट बिकॉज ऑफ दिस इट इज कर्स बिकॉज वी आर फोर्सिंग आर चिल्ड्रन फाइव टू फोर्टीन ईयर्स टू वर्क दैट इज अ प्रॉब्लम देन जबकि एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है इनको क्या है कॉजेस पहले देख लेते हैं कॉजेज ये है कि भाई पहला ओवर पॉपुलेशन हमने देख लिया उसके बाद पोवर्टी देखो ओवर पॉपुलेशन पोवर्टी ना दे आर लिंक्ड दे आर इंटरलिंक्ड ओवर पॉपुलेशन है इसी के वजह से यू हैव पोवर्टी क्योंकि जितने रिसोर्सेस के रिक्वायरमेंट है उतने हैं नहीं ठीक है और पॉपुलेशन क्या है पॉपुलेशन घट नहीं रही है पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली राइज पर है बट रिसोर्सिस तो उतने ही है इट्स अ बिग प्रॉब्लम गिविंग राइट टू पॉवर्टी एंड यस रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एज वेल ठीक है उसके बाद ये इस रीजन के फिर आप देखते हैं कि भाई अगला कॉज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट दो टॉपिक दो ये जो टॉपिक है ना अनएम्प्लॉयमेंट ये स्पेसिफिकली जनरल स्टडीज़ के अंदर में पढ़ा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट से यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेंस में मतलब सिक्स टू सेवन टाइम्स वो क्वेश्चन आया है वी विल बी डीलिंग विद इट इन अ सेपरेट वीडियो सेपरेटली एज वॉट इज अनएम्प्लॉयमेंट क्या उसके टाइप्स हैं कितने तरह के हैं बट एज ऑफ नाउ आप ये जान लीजिए चाइल्ड लेबर का एक जो रीज़न है या एक जो फैक्टर है दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड नहीं है बंदा ठीक है अब और अंडर एम्प्लॉयमेंट अब जो बंदा अनएम्प्लॉयड है हाउ दे विल मेक श्योर भैया जो टू स्क्वायर मील के लिए इफ दे आर स्ट्रगलिंग एजुकेशन भूल जाइए कहाँ से देंगे जब आप आपको ये नहीं पता आज सुबह खाना खाया है शाम को मिलेगा या नहीं हाउ विल यू इंश्योर कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे या उनका जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा नो इट्स 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 नॉट पॉसिबल मतलब मुश्किल है उनके लिए उसके बाद हालांकि गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं वी विल बी डिस्कसिंग देम इन डिटेल आल्सो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक ये प्रॉब्लम है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है पॉवर्टी है देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ठीक है अब ये जब इनके कॉजिज आप देख लेते हैं अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस ज़बरदस्त हैं इसके मतलब वट कैन आई से मीन्स बेसिकली यू आर फोर्सिंग दीज चिल्ड्रेन टू वर्क ठीक है एबिसमिली कुछ थोड़ा बहुत ये काम करते हैं और सोचो आप पाँच से चौदह साल का बच्चा क्या ही कर लेगा कितना ही कर लेगा बट यहाँ पे ना ट्रेंड्स पहले आप देख लीजिए कि आ, रिस, विद रेस्पेक्ट टू तो इंडिया जो चाइल्ड लेबर है उसके ट्रेंड्स में डिफरेंसेस हैं ट्रेंड्स में डिफरेंसेस क्या हैं ट्रेंड्स में डिफरेंसेस ये हैं कि भाई ज़्यादातर ज़्यादातर जो गाँव में बच्चे हैं और बाल श्रमिक का काम कर रहे हैं चाइल्ड लेबर विद रिस्पेक्ट टू तो रूरल इंडिया वो काम कैसे करते हैं एज कल्टिवेटर्स या फिर एज़ एग्रीकल्चरल लेबर ठीक है बट विद रिस्पेक्ट टू अर्बन इंडिया ये ट्रेंड है जो मैं आपको बता रही हूँ अर्बन इंडिया में ज्यादातर दे आर वर्किंग एज पिकर्स अच्छा यहाँ गाँव में ये काम भी करते हैं ईट के भट्टों में ठीक है पिकर्स के अलावा डोमेस्टिक सर्वेंट्स किसी टी स्टॉल पे काम करते हुए आपको मिलेंगे देन डेली वेज वर्कर आपको काम करते हुए मिलेंगे ठीक है और एक कॉज इसका क्या है भाई क्योंकि चीप इनसे काम कराना चीप लेबर है बड़े आसानी से आप बच्चों से काम करा सकते हैं इनको बड़े आसानी से एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है क्योंकि ये वो एज है फाइव टू फोर्टीन आपको पता ही नहीं है कि वॉट आर राइट्स वॉट इज एक्सप्लॉटेशन यू है फोर्स टू वर्क एंड फोर्स टू वर्क कैसे लेट नाइट्स और विदाउट ब्रेक्स और विदाउट पेमेंट्स फाइन तो दैट इज अगर प्रॉब्लम अब ये तो हमने विद रेस्पेक्ट टू वर्क देखा कि किस तरीके से गांव में काम हो रहा है किस तरीके से शहरों में काम हो रहा है जेंडर स्पेसिफिक भी ये जो ये जो डिविजन ऑफ लेबर है दैट इज ऑल्सो जेंडर स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक मीन्स जो मेल्स हैं ज्यादातर दे आर वर्किंग एज डेली वेज अर्नर ठीक है दिहाड़ी पे काम करते हैं ज्यादातर और जो uh, गर्ल्स हैं दे आर फोर्स टू वर्क एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स उनको घरों में काम करना पड़ता है राइट तो दैट इज द ट्रेंड अब उसके बाद कहते हैं और कॉजेस तो मैंने आपको बताया है कि लेबर चीप है सीधी बात है आप बहुत सारा काम इनसे ले सकते हैं इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और उतनी आपको पेमेंट करनी नहीं है एक तरीके से इसमें पेमेंट सॉरी वर्क विदाउट पेमेंट और एनिमरेशन इसके लिए वर्ड यूज होता है बेगार नेक्स्ट अब इसके साथ ना इनके बहुत सारे इम्प्लिकेशन भी हैं इनको ऑक्यूपेशनल डिजीजेस भी हो जाती हैं मतलब किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में ये अगर फंक्शनल हैं तो कई सारे इनको डिजीजेस का भी सामना करना पड़ता है ठीक है अब नाउ लेट्स अबाउट कि इसके नेचर के बाद विल डिस्कस कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं और वे फॉरवर्ड क्या हैं बट इसके भी पहले आपको थोड़ी सी टेल यू अबाउट द डिजीजेस विच दे हैव टू फेस और कॉन्सिक्वेंसिस क्या है भाई एक तो कॉन्सिक्वेंस क्या है आपने यू आर डिस्ट्रॉइंग दोशल फैब्रिक ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेज में सीधी सी बात है क्या कॉन्सिक्वेंसेस है पहला इट्स अ बर्डन ऑन अ नेशनल इकोनमी बर्डन ऑन नेशनल इकोनॉमी हाउ पंडित नेहरू ने बोला कि जो चिल्ड्रेन हैं वो हम भारत का भविष्य है वाजिब है सच भी है लेकिन अगर टेन मिलियन दे आर वर्किंग इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर और ये सेंसस का डेटा है इन फैक्ट टेन पॉइंट वन दे आर वर्किंग एज लेबर एज एज फाइव टू फोरटीन हाउ दे विल बी द फ्यूचर क्योंकि इनको एजुकेशन मिलती नहीं है deprived of education deprived of skills they end up in poverty ठीक अदरवाइज होना क्या चाहिए भाई ये जो poverty क्या है इज आल्सो इज अ कॉज एज़ वेल एज़ अ कॉन्सीक्वेन्स ऑफ चाइल्ड लेबर एक विशस सर्कल बन जाता है जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं ठीक है उसके बाद क्राइम क्राइम होता है बहुत चाइल्ड लेबर Uh, अपने आप में एक क्राइम है लेकिन चाइल्ड चिल्ड्रन के अगेंस्ट और भी कई सारे क्राइम्स होते हैं जो इन बच्चों के साथ में किए जाते हैं एंड समहा दे आर नोन दे आर अवेयर ऑफ इट और कई बार ऐसा भी होता है अवेयर ही नहीं है पहला तो जो एक्सप्लोइटेशन मैंने आपको बताया वो हो जाता है फिर इनके अलावा इनके साथ में होता है बहुत बहुत कॉमन चाइल्ड पोर्नोग्राफी चाइल्ड पोर्नोग्राफी देन किस कितने तरह के हमारे पास लेबर्स हैं भाई आपके पास स्ट्रीट चिल्ड्रन है अच्छा यूपीएससी ने ना एक शॉर्ट नोट सिंपल पूछा है क्वेश्चन में राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रीट चिल्ड्रन इस पर एक सेपरेट टॉपिक मेरे को बनाना पड़ेगा स्ट्रीट चिल्ड्रन की क्या इंटेंसिटी है और व्हाट आर देयर मतलब प्रॉब्लम्स हाउ दे कैन बी रेक्टिफाइड तो ये अलग से एक टॉपिक है अलग से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एक शॉर्ट नोट में पूछा हुआ है आई थिंक तो ट्टी मार्क्स के आसपास वो क्वेश्चन पूछा हुआ है स्ट्रीट चिल्ड्रन अलग से ही पूछ लिया है।, then, के अलावा, जो इनके, जो, जो बच्चे है उनके साथ में क्या होता है स्पेशली गर्ल्स दे तरीके का है ये इट्स अ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन साइबर बुलिंग हो रहा है बड़ी आसानी से और वो लोग कर लेते हैं तो या और इसमें भी प्रोस्टिट्यूशन के साथ फोर्ड मैरिजेस हाँ दिस इज हैपनिंग तो यहाँ पर अब जब ये सारा हमने देख लिया गवर्नमेंट ने काफी सारी इनिशिएटिव्स लेकर आई गवर्नमेंट ये बोलती है भाई आप आर्टिकल ट्वेंटी वन ला ए लाए पहले तो भैया पढ़ाओ अपने बच्चों को इतना फंडामेंटल राइट ठीक है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है एक गार्जियन की या एक अभिभावक की टू एजुकेट आर चिल्ड्रेन अवॉर्ड ठीक है उसके अलावा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डीपीएसपी में भी आता है ठीक है देन हमने क्या किया दूसरा सरकार ने क्या किया मिड डे मील स्कीम लेकर आए मीन्स मिड डे मील स्कीम का मतलब कि भैया आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए ताकि यहाँ पर इनको खाना परोसा जाएगा और इस खाने का लालच देकर सरकार ने कहा और या इसको इंश्योर करके कि इनको अच्छा पौष्टिक खाना मिले कम से कम ये पढ़ लेंगे स्कूल ड्रॉप आउट्स नहीं होंगे राइट दैट इज द इनिशिएटिव उसके अलावा भारत सरकार ने पेंसिल पोर्टल बनाया है पेंसिल पेंसिल पोर्टल यहाँ पर uh, ऑनलाइन pencil portal. Pencil portal पोर्टल है जो इंश्योर करता है कि चाइल्ड के अगेंस्ट जो लॉज बने उनका प्रॉपर इन्फोर्समेंट वगैरह सब हो जाए ठीक है तो ये गवर्नमेंट ने अपनी तरह से और कई सारे एक्ट्स भी पास किए हैं जैसे इन दिस वीडियो आई विल बी जस्ट टेलिंग यू द नेम्स ऑफ द एक्ट्स इफ यू वॉन्ट मी टू नो मेक द लीगल प्रोविजन ऑफ द एक्ट डू लेट मी नो इन दमेंट सेक्शन यहाँ पर एक्ट कई सारे पास किए गए हैं एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या है प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन एटी सिक्स और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट को ही फिर अमेंड किया है दो हजार सोलह में दो और, और एक और एक्ट है चाइल्ड लेबर के लिए पेंसिल पोर्टल है ठीक है तो यहाँ पर 1986 का जो चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट है उसी को 2016 में 1986 में चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट देन 2016 और 17 में इसको अमेंड किया गया है अब इनके डिटेल्ड प्रोविजंस, इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट डू लेट मी नो यहां पर तो अगर इसी वीडियो में इसको कंटिन्यू करा इट विल बी वेरी वेरी लेंदी वन सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो बट बिफोर दैट बिफोर आई वाइंड अप लेट्स गो फॉर द वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है और चाइल्ड लेबर इतनी आसानी से हो क्यों जाता है या पहला तो एम्बिग्यूटी चैलेंजेस क्या है एम्बिग्यूटी है हमारे पास किसकी एम्बिग्यूटी ऑफ लॉ भाई एक कानून कह रहा है अगर आपने चौदह साल से कम उम्र के हो या चौदह साल की उम्र कंप्लीट नहीं करी है यू आर अ चाइल्ड सर्टेन लॉस सेज अपिल सेवेंटीन ईयर्स यू आर अ चाइल्ड तो एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है हु चाइल्ड ठीक है उसके अलावा इनके साथ दूसरा चैलेंज क्या आता है यू डो नॉट द रिक्वायर्ड आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं जब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं बेनिफिशियरी कैसे बनेंगे सरकार की कोई भी बेनिफिट आपको लेनी है उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए डॉक्यूमेंटेशन का है नहीं प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है नहीं एंड इसमें इस भी उससे उस भी ज़्यादा जो दुखद बात है मैनी ऑफ देम आर इवन ऑर्फन ठीक है विदाउट देयर पेरेंट्स फोर्स टू इलेवन स्ट्रीट्स तो जब इनके पास उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है इन तक वो जो स्कीम्स चल रही हैं उनका बेनिफिट पहुंचाना बट वे फॉरवर्ड क्या है कि पहले तो आप एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाइए कोशिश करिए कि इनकी आइडेंटिफिकेशन की जा सके तीसरा एन की मदद लीजिए एन को काफ़ी एन जी इस संदर्भ में काफ़ी काम करते हैं लेकिन एन की मदद से हमें क्या करना है कि इसको इराडिकेट करने की कोशिश करनी है बट एन को जो पैसा दिया जा रहा है वो उसे कैसे स्पेंड कर रहे हैं उसका ऑडिटिंग होना ज़रूरी है सोशल ऑडिट इट्स रिक्वायर्ड ठीक है ये बहुत मतलब तो चेक एंड बैलेंस इसमें चलना चाहिए एंड अल्टीमेटली एक सबसे बड़ी चीज कि कि जो भी आपका लॉ आपने बनाया है वो सिर्फ इट शुड नॉट बी ऑन पेपर जो लिखा है शुड बी इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छे लॉज बनाते हैं इंडियन ब्यूरोक्रेसी में लॉज बनाने वाले बेहतरीन हैं बट इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करना इज रिक्वायर्ड ठीक है उसके अलावा सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर आप स्टेक होल्डर अप्रोच को स्टेक होल्डर अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं कैसे जनरली हम एथिक्स के केस स्टडी में स्टेक होल्डर अप्रोच को फॉलो करते हैं बड़ी आसानी से यहाँ पर जो स्टेक होल्डर है ना देखो So, uh, यहाँ पे तीन लोग मेजरली स्टेक होल्डर हैं हालांकि बहुत सारे हैं पहले तो वो बच्चे जो लेबर का काम कर रहे हैं दूसरे वो एम्प्लॉयर्स जो करा रहे हैं तीसरी uh, जो सोसाइटी एट लार्ज है ठीक है और चौथी जो भारत सरकार जिनके लिए ये जो एसेट होना था नाउ इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बर्डन क्योंकि दे आर नॉट एबल टू एजुकेट देर चिल्ड्रन जो कि एक वर्किंग एज पॉपुलेशन में मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं ठीक है एंडिंग अप इन लो स्किल्स हालांकि भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं और भी चलाई हैं जैसे स्किल इंडिया चलाया है स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया है स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम चलाया है ठीक है मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया है देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाया है फॉर स्क्यूड सेक्स रेशो अब सेक्स रेशो अलग से एक टॉपिक है जिस पे सवाल किया गया है और क्वेश्चंस आए हैं uh, मतलब उस पर अलग से यूपीएससी uh, ने छः से सात क्वेश्चंस पूछे हैं विल बी डीलिंग इट इन द दब्सिक्वेंट लेक्चर्स इस वाले टॉपिक के लिए भी ये भी जी वन का ही पार्ट है ठीक है तो एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपका स्कीम चल रही है ठीक है फिर पेंसिल पोर्टल है फिर सर्व शिक्षा अभियान है ठीक है और उसके अलावा ये तो कुछ गिनी चुनी गिनी चुनी मैंने आपको बताए हैं जो चल रहे हैं ताकि इंश्योर किया जा सके कि हमारी पॉपुलेशन स्किल्ड हो जाए डिजिटल इंडिया हाँ बट अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड क्या है कि देखो ये जो प्रॉब्लम है ना इसकी इंटेंसिटी एक तो ये इन वर्ल्ड ओवर का तो मैं मतलब वर्ल्ड ओवर में तो ये प्रॉब्लम है ही इंडिया स्पेसिफिक भी अगर आप ये बात करें तो ये रीजन तो रीजन वैरी करता है इंटेंसिटी सेम नहीं है तो इसीलिए इसके जो सोल्यूशन्स हैं बेस्ट सोल्यूशन निकल कर आएंगे जब सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ ऑन टेबल आकर कोलेबोरेट करेंगे और रीजन स्पेसिफिक इसके सेल्यूशन्स होंगे ठीक है सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड नाउ लेट मी टेक अ लीव एंड प्लीज़ डू लेट मी नो योर फीडबैक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल Thank you.